क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ की डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आपको चैप्टर जो है भिन्न आपको चला यानी फ्रैक्शन, उसका दो पार्ट हमने बना के आपको दे दिया, ठीक है। आपको आपके डेली क्लासेस के जो भी हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आप डालेंगे मैथ का क्लास, तो आपको आपको पूरा 9 से 10 पार्ट जो हमारा मैथ का है सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी भिन्न को हमने आपसे एक वादा किया था कि भिन्न को ऐसा पढ़ाएंगे कि आने वाला चैप्टर परसेंटेज लाभ हानि या डिस्काउंट या इस तरह से टाइम एंड में सारा हर जगह आपका भिन्न है का यूज है, यानी कि फ्रैक्शन का यूज है। तो इसको अगर हम मिस कर देते हैं, यानी आप मिस कर देंगे अगर हम आप इसको ना पढ़ाएं अच्छी तरह से, तो आपके आने वाले जो चैप्टर है उसमें बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इसको ये मत समझिएगा छोटा सा चैप्टर है, सर ने 3 दिन के पढ़ाया, तो इसको आप हल्के मत लीजिए। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 2 दिन तक आपने अगर क्लास किया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैथ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब वही ना कोई चीज कह दे कि एक ये तो फ्रैक्शन तो 1 दिन का चैप्टर है, तो चैप्टर तो 1 दिन का 5 मिनट का चैप्टर होता है, लेकिन उसको जब अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तब आपको समझ अच्छा हाँ ये इस होता है। इसलिए जल्दी सबको मैथ नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो विस्तार से नहीं पढ़ते। तो उसी को हमने सब पढ़ा दिया कि देखिए अगर आपको नहीं पता है कि भिन्न क्या होता है, तो हमने पढ़ा दिया कि भिन्न भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार सारी चीज़ हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 2 पार्ट में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं, हमने कुछ 7 से 8 सवाल यानी कि 8 से 10 सवाल आपको लाए हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों में वही क्वेश्चन बनते हैं, वही घुमा फिरा के थोड़ा सा वैल्यू चेंज होता है, तो उसी को लगवाते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में पहला सवाल दिखाई दे रहा है, कि पहला क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन मत समझिए, एक बार और पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन मैथ में होता है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे आराम से पढ़िए उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न जो हमारा प्राप्त होगा वो 3/5 प्राप्त होता, तो मूल भिन्न यानी कि मूल मतलब क्या होता है, जो पहले भिन्न था वो कितना था, ठीक है। तो समझे पहले समझे कि भिन्न होता क्या चीज है। देखिए भिन्न को हम किसको कहेंगे, यानी कि x/y, ठीक है। इसमें आपको हम बताए थे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, तो जो हमारा x होता है इसको हम अंश कहते हैं और जो हमारा y होता है इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये सब हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सवाल पे आइए, देखिए सवाल था क्लियर है कि अगर अंश में हम 20% बढ़ा देते हैं तो यही तो हमारा अंश है, और डाटा आपका जो दिया है परसेंटेज में दिया है। जब डाटा आपका परसेंटेज यानी कि जो संख्या अगर परसेंटेज में दिया होता है तो आपको परसेंटेज में ही बढ़ाना होता है, यानी इस तरह से 100, ठीक है, यानी कि इस तरह 100 में ही वृद्धि करें, क्योंकि हम जब परसेंटेज में दिया था तो 100 मानते हैं बेस को, ठीक है। तो 100 में कह रहा है कि वृद्धि यानी कि इस तरह से समझिएगा, देखिए अंश को हम क्या मानते हैं इस तरह से x और y इस तरह से, ठीक है। तो हमारा पहले कितना था, 100 था, हमने वृद्धि किया, कितना वृद्धि किया बताइए अंश में, अंश में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 20%, तो 100 हमारा रहा होगा, हमने 20% वृद्धि किया होगा तो कितना होगा बताइए, टोटल कितना होगा अंश, 120 होगा ना, 120%, ये आपको समझ आ रहा है। उसी तरह से हर में कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो पहले 100 रहा होगा तब तो 25 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 100 आपका बेस होता परसेंटेज में, इस तरह से हो जाएगा और प्लस हमारा 25 हो जाएगा। और जो नया भिन्न हमारा बन रहा है कितना बन रहा है बताइए, नया भिन्न आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 3/5, ठीक है। तो देखिए 3/5 इसके हम बराबर कर लेते हैं, समझ आ रहा है ना, ये 100 क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये डाटा जो हमारा 20% में दिया है, जैसे कि अगर समझिए ऐसे कि जैसे जो वैल्यू जो जो कार्य हमारा परसेंटेज में 100 करता है वही कार्य हमारा जैसे भिन्न में करता है 1, यानी कि जैसे परसेंटेज पूरे परसेंटेज में हम जब पढ़ेंगे लाभ हानि में पढ़ेंगे हर जगह 100 आता है, ठीक है, उसको बेस माना गया, उसी तरह से भिन्न में हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज डाटा दिया है तो अंश में 20% की वृद्धि, तो 100+20 और हर में 25% की वृद्धि करता है, तो 100+25 हो गया। इसको हल कर लीजिए तो कितना होगा बताइए, हमारा हो जाएगा 100 120 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 120x हो जाएगा और ये परसेंटेज में तो परसेंट नीचे ऊपर कट जाएगा, और 125% y बराबर कितना होगा 3/5 होगा। देखिए हम ऊपर मिटाते हैं अच्छी तरह से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि आपको पेपर में ये प्रॉब्लम होता है कि हम ये 20 जोड़े कहाँ, x में जोड़े कि 100+y करें, देखिए तो हमारा कितना था, ये परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा होगा 120x/125y और बराबर 3/5। देखिए यहाँ से आप 3 से काट लीजिए, ठीक है, ये 40 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए ये ऊपर जाएगा तो 25/ कितना होगा 40 होगा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, ठीक है क्लियर है ना। उसके बाद इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5/25 और 5/8 40, बताइए कोई आंसर है आपके विकल्प में, यानी कि x/y जो आपका है, यानी ये देखिए इधर हम लिख सकते हैं x/y, ये आपका भिन्न था, यही तो था भिन्न, पहले हमारा क्या था x/y ही तो मूल भिन्न था, ये कितना है 5/8 कोई ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, नहीं समझ में एक बार और देखिए। क्वेश्चन यह था कि यदि एक भिन्न का अंश में 20% वृद्धि और उसके हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नए भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या था हमारा, यही तो था 5/8 ही। इसमें हमने मतलब अंश में कितना बढ़ाएं 20% और हर में बढ़ाएंगे तो हमारा कितना बढ़ाएगा प्राप्त होगा 3/5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब यानी केएलडी क्लासेस को नहीं किया है तो आप जरूर कर दें, क्योंकि आपको डेली करेंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ की वीडियो आपको मिली रही है। तो इसी तरह से आप केएलडी क्लासेस बने रहे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दूसरा क्वेश्चन है कि आप पढ़िए, अच्छे तरह से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन जब तक अच्छे तरह से नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे यूट्यूब ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लीजिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बताना है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है सबसे छोटा है। आपको देखिए, हमने कल क्वेश्चन करवाया था कि दो भिन्न, हमने दो सवाल लगाया था कि सबसे बड़ा बताइए, तो बड़ा वाला आपने देख लेगा लिया था। तो आपको पूछेगा यार सर छोटा वाला क्यों नहीं बताया, तो छोटा वाला आप बताइए। देखिए तो हमने बताया था कि भिन्न के निकालने के 3 तरीके बताए थे। देखिए हम सारा आपको रूल बता दे रहे हैं पर लगवाएंगे एक ही रूल से लगवाएंगे, ठीक है। देखिए पहला हमने बताया था कि भाग विधि, एक बार देखिए सबका रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सवाल लगवाया जाता है कि जो मैथ में होता है कि जो सारा नियम हम पढ़ते हैं उसका यूज कहाँ है, ठीक है, ये समझना है। पहला था हमारा भाग विधि, दूसरा हमारा क्या था बताइए, जो पढ़े होंगे उनको तो पता होगा समहर नियम, ठीक है, ये पता है कि नहीं आपको। अगर आपको अभी नहीं पता है तो पहला वीडियो भिन्न का और दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तीसरा था हमारा आर पार, देखिए तीसरा था हमारा आर पार गुणा नियम, ठीक है। देखिए समझा ना, आपको खुद समझ में आएगा कि भाग विधि से लगाए कि आर समहर नियम से लगाए या आर पार गुणा नियम। देखिए भाग विधि में हमने ये बताया था कि हमारा जो हर होता है उससे हम अंश में भाग देते हैं, जिसका भागफल बड़ा होता है वह भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, तो इससे हम निकल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने समहर नियम में बताया था कि जो भिन्न का जो हर होगा उसका हमको लेसर लेना होगा, लेसर लेने के बाद सभी जो हमारे भिन्न है उसके हर को समान करना होगा, यानी कि गुणा करना, ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिससे हमारा सारा हर जो है समान हो जाए। और लास्ट में हमने बताया था कि आर पार गुणा नियम, कि किसी भी दो भिन्न को ले लीजिए और उसका तिर्यक गुणा करिए, यानी कि इस तरह से आप गुणा करिए और उसके बाद जो बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो हम सवाल होते हैं किससे लगा, आर पार से लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आर पार से लगाना बहुत ही आसान होता है। देखिए तो इसे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो इसके पहले वाले को तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए हम इसको लगाते हैं आर पार गुणा नियम से, कोई भी लगाइए, तीनों में से कोई भी लगाइए, आपका सारा सवाल सारा जो आंसर होगा एक ही आता है। देखिए सबसे पहले समझिए, हम लगा रहे हैं आर पार, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आर पार गुणा नियम, ठीक है, समझिएगा आर पार गुणा नियम। दो भिन्न कोई भी उठा लीजिए, चाहे 15/16 एक भिन्न हो गया, 7/8 लिखिए, चाहे कोई भी दो इसमें से ले लीजिए, जैसे 15/16 लिख करते हैं और 7/8। देखिए करना क्या है, हमको निकालना है कि सबसे छोटा, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए हमको छोटा कौन सा होगा, ठीक है, छोटा खोजिए, इसमें छोटा कौन सा, तो बताए थे कि जो आर पार गुणा में होता है इसका तिर्यक गुणा कीजिए, ठीक है। ये देखिए 15 का गुणा 8 में करिए, 15 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा बताइए, वैल्यू बताइए, 15 गुणा 8 कितना होता, 15 × 8 = 120, ठीक है, क्लियर है ना, गुणा आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद 16 × 7 कितना होगा, देखिए 16 × 6 = 96, 16 × 7 कितना होता, आप ऐसा पढ़ सकते हैं भाई 16 × 16, इस तरह पढ़ते पढ़ते जिसको याद है फटाफट कर लेगा, कितना होगा 112 बताइए। 120 में, 120 और 112 में सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा बताना, तो हमको छोटा के लेके चलना होगा, ठीक है। तो बताइए 120 और 112 में कौन छोटा, छोटा बताइए, छोटा, ठीक है। तो हमारा जो है 112 क्या होगा, छोटा होगा, तो इसके सामने जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी होगी। तो हमारा 7/8 किससे, ये 7/8 क्या होगी, छोटा होगा किससे, ये जरूरी नहीं है कि जो 7/8 है वो सबसे छोटा हो, यानी कि सब भिन्नों में, यानी ये जो 7/8 है ये किससे छोटा, ये 15/16 से छोटा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से 7/8 है, अब इससे हम तुलना करेंगे किससे, 11/12 से, तो यहाँ लिखिए 7/8 और यहाँ लिखिए 11/12। तो ये किस नियम से है, नियम बताइए, नियम आपका आर पार गुणा नियम है। आर पार मतलब देखिए इस तरह से हमने आर कर दिया, इधर से हमने पार कर दिया, ठीक है, फिर गुणा करिए, क्योंकि हमने यहाँ से निकल गया कि हमारा ये वाला छोटा है। तो 12 × 7 कितना होता है, 84 और 11 × 8 = 88 बताइए, 84 और 88 में छोटा कौन है बताइए, 84 और 88 में हमारा जो है 84 छोटा है, तो बताइए ये 84 किसके सामने है, 7/8 के तो सामने है, इसलिए हमारा क्या आंसर निकलेगा बताइए, हमारा आंसर कौन सा होगा, हमको कौन सा चीज निकालना था, सबसे छोटा भिन्न, तो बताइए सबसे छोटा कौन, हमारा 7/8, बताइए 7/8 कहीं पे है आंसर, किसी भी विकल्प में 7/8 कहीं है बताइए, देखिए आप आंसर बात देखिए, ठीक है, 7/8 कौन सा है, तो 7/8 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है
आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने बताया था ना कि भिन्न के क्यों आपको भिन्न पढ़ाया जा रहा है इतना आराम से, उस आपको भिन्न को आपको यूज करना। आपको पहले भी हमने लगा चुका है इस तरह से सवाल, हमने कई बार लगवा चुके हैं, ठीक है, भिन्न में। आपको ये क्वेश्चन आपको समझ अच्छा, हाँ भिन्न ऐसे लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन मतलब कि ये तीसरा क्वेश्चन है आज का, कि एक किसान के पास एक्स गाय थी, यानी कि एक किसान है जिसके पास एक्स गाय। देखिए क्वेश्चन अपने शब्दों में कन्वर्ट कीजिए। जैसे लिखा है कि एक किसान के पास एक्स गाय, तो मान लीजिए कि हम किसान है, हमारे पास एक्स गाय, ठीक है, इस तरह समझिए। अपने वर्ड में जैसे होता है ना, आपने रीजनिंग में टॉपिक पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप उसे अपने शब्दों में, अपने जैसे नाते रिश्तेदार नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आता। कोई भी पढ़ा ले, कहीं भी टीचर पढ़ ले, ठीक है, कुछ नहीं। तो इसी तरह सवाल है कि एक किसान के पास एक्स गाय है, इसके चार बेटे हैं। एक किसान है, उसके मतलब कि पास एक्स गाय है, एक्स का वैल्यू हमको निकालना ही है, तो उसके चार बेटे हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि इसको चार बेटे में से इस प्रकार से वितरित किया गया कि पहले बेटे को आधा भाग, यानी कि जितना गाय था, जैसे एक्स गाय था तो उसका आधा, भाई अगर 20 गाय है तो 20 का आधा कर लिए 10 गाय, तो पहले बेटे को मिला। तो इस तरह अपने शब्दों में कन्वर्ट करेंगे तो मैथ एकदम आपको हलवा, जैसे हमने बताया था ना कि 5 सेकंड में कैसे उड़ाया जाता सवाल को, तो वही उड़ाने लगेंगे आप भी इस तरह से सीधे, धीरे धीरे आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भी किसी को भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि पहले बेटे को आधा भाग मिलता है, दूसरे को एक चौथाई और तीसरे को एक पांच, तथा चौथे चौथे जो लड़का है उसको 7 गाय मिलती है। उस इस प्रकार उस किसान के पास कितनी गाय है, ये आपको क्वेश्चन लगा रहे, देखिए समझिएगा, बता रहे। देखिए माना, ठीक है, ये मानने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए हम सीधे सीधे यहां से लगवाए, एक्स उसका चक्कर भी मत पड़िए, ठीक है, हम भिन्न के चक्कर पढ़ाए तो भिन्न से लगवाए। देखिए जो वैल्यू दिया, बताइए वैल्यू दिया 1/2 आधा हुआ, ठीक है, 1/2 दिया है ना, जो वैल्यू दिया आप उसको रख लीजिए, 1/2 दिया है और 1/4 दिया है, ठीक है, और बताइए कितना दिया है, बस बटे वाला जो वैल्यू दिया उसको लिख लीजिए, ठीक है, बताइए 1/5 दिया है, समझ आ रहा ना, बताइए। तो इस तरह से दिया है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद करना क्या है, बताया था कि ये जो हर होता है इसका गुणा कर लीजिए। कुछ याद आ रहा है, नहीं कुछ याद आ रहा है, बताइए कुछ याद आ रहा है ना, जो पहले हमने सवाल लगाया था, अगर आपने नहीं देखा है, वो इनकम वाला एक व्यक्ति है जो इतना कमाता है, 400 रुपये बचाता है, वो अभी कल ही बताया था, ठीक है, आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए। हमने बताया था कि इन तीनों का गुणा करिए, बताइए कितना गुणा होगा हर का, भिन्न में यही करना है आपको, ठीक है। तो 5 × 20, 20 गुना कितना होगा, बताइए 40 होगा कि नहीं होगा, बताइए 40 होगा कि नहीं होगा, बताइए 40 होगा ना। तो गुणा हमको करना, बस ये जो हर है इसका गुणा करिए। और जो आपने सोच रहे हैं कि ये 7 क्यों सर नहीं है, 7 का अभी काम नहीं है, 7 अभी बाद में आएगा, ठीक है, समझिएगा। तो 5 × 20, 20 गुना 40, यानी कि जो किसान है उसके पास कितनी गाय है, बताइए किसान के पास 40 गाय है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कुल 40 गाय है। अब इसमें बताइए कि जो बड़ा लड़का है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं जो पहला लड़का था उसको कितना गाय दिया, बताइए पहला लड़का कितनी गाय दिया, आधा। आधा का मतलब कितना होता है, 1/2 ही तो होता है, तो 20 का एक, 40 का 1/2 कितना होगा, 20 गाय। यानी कि अगर किसान के पास 40 गाय होती होंगी तो उसमें से 20 गाय किसको दिया होगा, पहले लड़के को दिया होगा। फिर आगे है कि दूसरा लड़का कितना दिया उसने, ठीक है, इसी ग्राफ के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरे लड़का, यहाँ लड़के लिख लीजिए, जो भी आप लिख सकते हैं कोई बात नहीं। दूसरे लड़कों को दिया एक, कितना दिया बताइए, 1/4 दिया, बताइए 1/4, 1/4 बताइए 40 का कितना होता है, 1/4 बताइए 40 × 1/4 कितना होगा, बताइए 10 होगा, तो ना, तो 10 गाय किसको दिया, दूसरे लड़कों को 10 गाय मिला, ठीक है। आगे देखिए तीसरे लड़कों को कितना दिया, 1/5 दिया, यानी यहाँ आप तीसरा कर लीजिए, ठीक है, हो गया तीसरा। तीसरे लड़कों को 1/5, 1/5 कितना होता है, बताइए 40 का 1/5 कितना होगा, 40 × 1/5 करिए 8 ही तो आएगा, ठीक है, बस हो गया। अब बताइए पहले को 20 गाय, दूसरे को 10 गाय, तीसरे को कितना दिया, 8 गाय ही दिया, बचा कितने पास उसके, बताइए कुछ बचा है भाई, देखिए 20, 10, 30, 30, 38 शेष कितना बचा उसके पास, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं शेष उसके पास कितना बचेगा, 2 ही गाय तो बचेगा, और ये 2 गाय किसको देगा, जो चौथा लड़का था, चौथे को कितना दिया था, बताइए चौथे लड़के को कितनी गाय दिया था, 7 ही तो दिया था, तो 2 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। पूछा था उसके पास कितनी गाय है, टोटल कितनी गाय है, हमने यहाँ कितना मान रखा 40, तो 40 बराबर निकाल लिए बस फटाफट, तो 7 होगा, ये वाला बटे में आता और गुणे यहाँ पे आप 40 करिए, बताइए कितना होगा, 20 और 20 साथ कितना होता है, बताइए 20 साथ कितना होता है, 140 ही तो होता है, यानी उस किसान के पास 140 गाय थी। एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं अच्छी तरह समझे, कुछ रटने की जरूरत नहीं, मैथ भी बता दे रहे। अगर आप केली क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको एक भी सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस पढ़ेंगे हाँ अच्छा इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सूत्र पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, आपको ऐसा नियम बता देंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको पूरा क्लियर, ठीक है। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एक बार आपके स्क्रीन पर दोबारा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन यह है कि एक किसान के पास एक्स गाय है, इसमें से चार बेटों को इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा गाय, पहले को कितना मिला, आधा,
दूसरे को एक चौथाई, तीसरे को एक बटे पांच और चौथे को कितना मिला, साथ ही गया तो मिला है ना, इतना क्लियर हो। हमने क्या किया, जो हर है हमारा जैसे यहाँ पे दो है चार है यहाँ पांच, हमने सबका आपस में गुणा कर लिया, जैसे पांच चौक बीस, बीस दूना कितना होगा चालीस, हमने चालीस क्या माना है टोटल गाय मान लिया, ठीक है। इसी को हमने क्या कर लिया, इस पर आधा गाय कितना, आधा गाय किसको मिला, आधा भाग बड़े वाले लड़कों को, पहले लड़कों को, तो हमने एक बटा दो चालीस का निकाला, यानी कि बीस गाय पहले लड़कों को मिलेगी, इतना क्लियर है। फिर दूसरे लड़कों को कितना मिलेगा, चौथा है, तो चालीस का हमने एक बटे चार निकाला, कितना आएगा दूसरे को दस का है। तीसरे को बताया था कि एक बटे पांच, तीसरे का चालीस का एक बटे पांच निकालेंगे कितना है, आठ ही तो आएगा, इतना क्लियर है। जो बचेगा चालीस में से, जैसे बीस हो गया तीस, तीस अड़तीस, अड़तीस हो गया ना, चालीस गाय में से उसने अड़तीस तीनों लड़कों में दिया, तो चौथे लड़कों को कितना मिलेगा, जो बचेगा वही, तो अड़तीस में से अगर चालीस में से अड़तीस घटाएंगे कितना हो जाएगा, दो, दो किसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे सात था, तो दो किसके बराबर, सात के बराबर। पूछा कि आते हैं यानी किसान के पास कितनी गाय थी, किसान यही तो है चालीस गाय वाला, तो चालीस गाय किसके बराबर, देखिए यहाँ चालीस हम निकाल लिया इस तरह से, तो आपका जो है आंसर जो भी होगा आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और एक बार आपको देखिए बता दे रहे हैं ये भी कि आपको जो भी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, जो भी क्लासेस रीजनिंग मैथ जीके करेंट अफेयर सारा जो भी क्लासेस हो रही है दिन भर में, आपको सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके केएलडी क्लासेस में जाइएगा और वहाँ पे किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, जैसे मान लीजिए आप मैथ का वीडियो देख रहे हैं तो मैथ के नीचे जाइएगा, वहाँ पे आप प्ले करिएगा, ठीक है, उसके नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ लिखा होगा पीडीएफ फाइल, उसको आप क्लिक करिए, वहाँ से आप जो भी पढ़ाया गया होगा उसका पीडीएफ लेके देख सकते हैं कि, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नए आए आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमारा रहता है केएलडी क्लासेस का, आप वहाँ पे उसको उस क्वेश्चन को दोबारा कह सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हाँ ये सर सवाल हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, आपके लिए पूरा 24 घंटा हम लोग एकदम, ठीक है, अप टू डेट है, ठीक है। तो आप इसी तरह से केएलडी क्लास में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन, तो आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ये चार है कि आप अच्छे तरह से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक भिन्न का जो हर है, एक भिन्न का जो हर है, अभी आपको पता होगा ना कि अंश और हर, ठीक है, अभी एक बार और समझाएंगे। देखिए कह रहा है एक भिन्न का जो हर है वो अंश से एक अधिक है, यानी कि जो हर होगा वो अंश से एक अधिक है, जितना अंश होगा आपका उससे एक पॉइंट मतलब एक प्लस में कर दिया वही आपका हर होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया, यानी दोनों में से हम अंश में से भी एक घटा दे और हर में से भी एक घटा दे, ठीक है, तो कह रहा है कि यदि दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान जो होगा 0.5, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे दो लिख सकते हैं, नहीं लिखे बताइए, 0.5 को हम कितना एक बटे दो लिख सकते हैं, तो कह रहे 0.5 के बराबर हो जाता है, तो भिन्न का भिन्न क्या है, यानी कि कौन सा भिन्न है वो, देखिए समझिए सवाल एक बार और अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। कह रहा है कि जो हमारा, ठीक है, हर है, देखिए हम सवाल पहले समझाते हैं। देखिए होता क्या चीज, सवाल में हम भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न देखिए होता हमारा उसमें होता है अंश भी होता है और उसमें क्या होता है हर होता है, दो ही चीज तो होता है, अंश और हर ही तो होता है। पर इस सवाल में क्या कह रहा है, जो हर है वो अंश से एक अधिक है, बात समझ आ रहा है, तो हम अंश कितना मानेंगे बताइए, आप बताइए अंश हम कितना मान ले, अंश हम एक्स मान ले कि नहीं मान ले, बताइए अंश को एक्स मान ले तो हर हमारा कितना होगा, बताइए हर हमारा कितना होगा, एक्स प्लस वन होगा कि नहीं, ये आप बताइए, अंश यानी हर हमारा कितना होगा, एक्स प्लस वन, अगर अंश एक्स होगा तो हर कितना होगा, एक्स प्लस वन, ठीक है, इतना होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो हर है वो अंश से एक यानी एक अधिक है, तो ये कैसे होगा, यही तो होगा। इसके बाद देखिए तो हम इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा कितना होगा, एक्स बटे एक्स प्लस वन होगा कि नहीं होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, भिन्न हमारा हुआ ना ये, आगे बताइए। अब क्वेश्चन आप आगे पढ़िए, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न होगा जो 0.5 के बराबर, तो हम बताइए ये हमारा अंश है, ये वाला ऊपर वाला अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, आपको क्लियर होगा। तो कह रहा है कि अंश में से एक घटाइए और हर में से भी एक घटा दिए, तो ये जो होगा 0.5 के बराबर, 0.5 को हम क्या लिख सकते, बताइए 0.5 को एक बटे दो लिख सकते हैं, नहीं, तो हम इसको एक बटे दो लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि भिन्न का मान बताइए, यानी भिन्न पहले कितना था जब हम उसको जोड़ या घटा नहीं रहे थे, ठीक है, हल करिए। देखिए यहाँ से माइनस और प्लस क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा बताइए, यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और बराबर एक बटा दो, इसका आप गुणा करिए, देखिए इसका आप तिरक गुणा करेंगे तो कितना होगा, दो एक्स माइनस दो और बराबर हमारा होगा एक्स, ठीक है, इसको इधर लाइए इसको इधर ले जाए, देखिए तो दो एक्स हो जाएगा और ये हम एक्स आएगा इधर और ये दो होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब वही सरल करना ही है, तो दो एक्स में से एक्स जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा बताइए, दो आएगा, एक्स बराबर दो आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, ठीक है, दो आ गया। इसके बाद हमारा क्या भिन्न था, भिन्न हमारा क्या था, जब हमारा जोड़ घटा नहीं रहता तो एक्स बटे कितना था, एक्स प्लस वन, यही तो था जब कह रहा था कि जो हमारा भिन्न का हर है वो अंश से एक अधिक है, यही तो था। इसमें आप एक्स बराबर रख लीजिए, एक्स के यहाँ कितना है, दो, दो बटा कितना होगा, तीन होगा, बताइए कोई आंसर है, दो बटा तीन, दो बटा तीन कोई है बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन ये कहा था कि जो हमारा हर है, यही तो हमारा हर है,
हर जो है वो अंश से एक अधिक है, आपको ये समझना। तो अगर अंश इतना होगा तो हर हमारा कितना होगा, एक्स प्लस वन होगा, बस ये करना था। उसके बाद कह रहा है कि अंश और हर दोनों में एक घटा दीजिए, तो बताइए घटा दीजिए, हमने क्या कह रहा है 0.5 के बराबर, 0.5 जो 1/2 ही के तो बराबर होता है भाई, बताइए ठीक है। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ही बात आएगा, तो वहाँ आपको समझना ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर यक्ष मान के लगाएंगे तो हो सके कि आपका एक पेज भी भर जाए और सवाल भी आपको समझ में आए ठीक है। तो आप इसी तरह से केएलडी क्लास में अगर बने रहेंगे तो आपको जो भी हार्ड क्वेश्चन आपको लगता है यार ये कैसे लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा, हम ऐसा नियम बता देंगे आपको कि वो सवाल बस 5 सेकंड में 10 सेकंड में लग जाए, कम से कम सेकंड में आपको समझ भी आ। देखिए सवाल इतना भी नहीं होता कि लंबा जा रहा है या छोटा जा रहा है, आपको समझ में, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए अच्छे से पढ़िए, मतलब ध्यान से लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ते नहीं बस हमारा गलत हो जाता सवाल की बात पता चला वो मिस्टेक हो गया ठीक है। देखिए सवाल यह है कि एक बांस है, बांस का 3/10 भाग जो है कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी के सतह से ऊपर हो, तो बांस की लंबाई होती है। मतलब एक बांस होता है आपको देखने होंगे कि जैसे वो होता है ना कि तालाब के किनारे या तालाब में जो बांस होता है उस तरह से निकलते हैं ठीक है। तो क्या होता है उसमें बता रहा है कि 3/10 भाग है यानी कि पूरे बांस का 3/10 भाग कहाँ पे है, कीचड़ में यानी कि पानी के नीचे है ठीक है, और 3/5 भाग कहाँ है, पानी में है ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और तथा शेष 5 मीटर कहाँ है, पानी के सतह के ऊपर है, आपको यह समझना ठीक है। तो कह रहा है कि तो बांस की लंबाई, देखिए हम फिगर से समझा रहे हैं उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका पानी है ठीक है, इधर नीचे, और यहाँ पे आपका कीचड़ रखा है, कीचड़ ठीक है भाई, पानी के नीचे कीचड़ ही होगा, और ये आपका सतह के ऊपर है। तो कह रहा है कि देखिए सवाल समझिए, एक बांस का 3/10 भाग कहाँ पे, ये कीचड़ यानी कि ये जो आपका है कीचड़ है ठीक है, यहाँ मिट्टी है पूरा भरा, तो ये 3/10 यानी कि जितना बांस होगा उसका 3/10 आपका कहाँ होगा, कीचड़ में होगा। और उसके बाद कह रहा है कि 3/5 भाग पानी में, तो आपका यहाँ से लेके ये क्षेत्र जो है ये पानी है, तो 3/5 भाग कहाँ है आपका, 3/5 जो बांस का क्षेत्र है वो पानी में। और उसके बाद कह रहा है कि 5 मीटर जो है सतह से ऊपर, ये यही है ना पानी, पानी से सतह के ऊपर आपका 5 मीटर बांस है। तो पूछा कि ये पूरा बांस यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये से लेके बी तक के बीच की यानी ये बांस जो है उसकी लंबाई आपको बताना ठीक है, आपको ये समझना। तो हम इसी को लगवा रहे हैं, देखिए कैसे सवाल लगवाते हैं ठीक है, अच्छी तरह समझिएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको कोई भी सवाल ऐसा ना रहेगा कि इसके पढ़ने के बाद यानी इस भिन्न को चैप्टर का पढ़ने के बाद कोई भी सवाल आपका छूट जाएगा। अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हाँ सर हमारा छूट गया ठीक है, और जो सवाल आपको नहीं है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, और अगर आपको मतलब इस तरह सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिख पाते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप नंबर हमारा जो रहता है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उस पर आप भेज सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी यानी कि आधे घंटे एक घंटे में आपको आंसर जरूर भेजवा दे ठीक है। तो आप इसी तरह से खेल में लिखिए, कह रहा है एक बांस का 3/10 भाग कहाँ बताए, 3/10 भाग कीचड़ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस 3/10 लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3/5 भाग पानी में ठीक है, और शेष 5 मीटर ठीक है जमीन के ऊपर है। तो हमको देखिए हमने बताया था कि गुणा किसका करना, हर का करना, इसमें हर एक ही है दूसरे कोई मतलब नहीं, बस इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, बस जो बटे हुए उसका गुणा करिए। तो बताइए 10 और 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, बताइए 10 और 5 का गुणा 85 तो होता है, तो 50 क्या होगा बताइए, 50 जो आपका ये होगा टोटल, टोटल बांस की लंबाई, ये हमने बी कर दिया टोटल बांस ठीक है। तो 50 मीटर क्या होगा, बांस अगर होगा 50, देखिए उत्थम नहीं जाएगा मात्र मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर, उससे मतलब नहीं, सवाल आएगा आपका देखिए, यानी कि जो बांस की लंबाई टोटल है वो 50 मीटर। अब बताइए कीचड़ में कितना भाग था, 3/10 ठीक है, 3/10 भाग कीचड़ में, तो यहाँ आप कीचड़ बस ऐसे लिख सकते हैं कीचड़ ठीक है, समझा, देखिए तो कीचड़ में 50 भाग, तो 50 का 3/10 भाग कितना होगा, यानी कि ऐसे समझिए 50 × 3/10 10 × 5 = 50 और 5 × 3 = 15, यानी कि अगर आपका बांस 50 मीटर लंबा है पूरा टोटल, तो उसमें से 15 मीटर आपका कहाँ होगा, कीचड़ में होगा कि नहीं होगा, तो आपका 15 जो मीटर होगा आपका जो बांस की लंबाई हो कीचड़ में होगा। उसके बाद कह रहा है कि 3/5 कहाँ पे बताइए, 3/5 कहाँ है, पानी में है ठीक है, तो यहाँ आप पानी निकालिए, जैसे हमने अभी 50 का 3/10 निकाला 15 आया, उसी तरह से आप 50 का 3/5 निकालिए ठीक है। तो देखिए ये 10 हो जाएगा और 10 × 3 = 30, यानी कि 10 30 मीटर जो होगा आपका जो बांस की लंबाई होगा वो पानी में होगा, तो आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए, हो गया ना। देखिए हम इसको मिटाते हैं अच्छी तरह से और समझिए, इसी तरह से आप केएलडी क्लास में बने रहिए, एक का नियम आपको बताया कि आपको समझ में सवाल एकदम समझा। देखिए क्या हुआ, क्या कि 50 मीटर अगर बांस था तो उसका 3/10 कीचड़ में यानी कि 15 मीटर कीचड़ में, उसके बाद हमने 3/5 निकाला पानी में, तो किसका हो गया 30 मीटर जो होगा पानी में है, शेष क्या होगा बताइए, दो ही चुने तो कीचड़ में हो गया, उसके बाद पानी होगा, उसके बाद ऊपर सतह के ऊपर तो है यही, तो जो शेष होगा वही तो सतह ऊपर होगा, बताइए शेष कितना हमारा, बताइए शेष हमारा कितना होगा, यहाँ हम देख लेकर, तो 30 हमारा पानी में हो गया, 15 कीचड़ में, 30 × 15 कितना होगा 45, कितना बचा हमारा टोटल कितना था 50,
50 में से 45 इंच तक जगह हो गए, तो 5 हमारे कहाँ होगा, सतह पे ही तो होगा। तो 5 हमारा जो मीटर होगा ये हमारा यहाँ लिख सकते हैं सतह पर, ठीक है। और ये 5 किसके बराबर होगा, यही तो 5 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर होगा, यानी कि 5 5 के बराबर हुआ ना, हुआ ना, ये तीर का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। अब हम एक्स वाई नहीं लगाएंगे कहीं भी, किसी भी सवाल में आपको एक्स वाई नहीं दिखाई देगा। पूछा कि 5 की लंबाई, तो 5 की लंबाई हमने कितना मान रखा, 50, तो 5 5 के बराबर होगा, तो 50 किसके बराबर होगा, बताइए। 5 और ये वाला जो बटा हो, ये वाला जो वैल्यू होता है ये बटे में आता, और ये वाला वैल्यू आपका गुणे में होता, तो बताइए 5 से 5 कट जाएगा कितना होता है, 50 मीटर, यानी कि बांस की जो लंबाई है टोटल आपको 50 मीटर दिया है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, आपको स्क्रीन पर दोबारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि एक बांस है, बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है, तो ये 3/10 भाग कहाँ है, कीचड़ में है, ठीक है। यानी कि 50 का 3/10 भाग कहाँ आ गया, 15। अब आप सोच रहे हो 50 कहाँ से है, 50 आपका इन दोनों का गुणा करना, देखिए लहसुन मसा नहीं लेना, आपको गुणा करना, हर का आपको आपस में गुणा करना, जैसे यहाँ 10/5, आप यहाँ सोच रहे हैं यहाँ क्यों नहीं गुणा किया, इसको क्यों नहीं लिया, इसके बटे एक लीजिए, भाई गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, वही कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए हम उसी संख्या गुणा करते हैं जो हमारा भिन्न के रूप में होता है। इसीलिए आपको भिन्न का चैप्टर 3 से 4 दिन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ सर एक दिन और पढ़ाइए भिन्न, अभी बहुत क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ठीक है। पर आपका पेपर है इस पास में इसी महीने में कई लोगों का है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा सा तेजी से पढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहिएगा कि इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर एक दिन और पढ़ाए भिन्न, क्योंकि हमारा तो भाई मन कर रहा है कि दिन और पढ़ा दे, क्योंकि हमको पता है कि आने वाले चैप्टर में किस तरह से भिन्न का यूज है। पर आपको कैसा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि सर ने 3 दिन कैसे खींच लिया, भिन्न का चैप्टर एक ही दिन में है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करके बताइए कमेंट बॉक्स में, सर एक दिन और पढ़ाइए, एक दिन और पढ़ाइए। जितने लोगों का कमेंट आएगा, जितने अधिक लोगों का कमेंट आएगा, उतना वही चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, किसी भी चैप किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन, सारा जगह आपका सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 सवाल जरूर आता है, ठीक है, आप इसको जरूर देख के जाएगा। तो कल से यही शुरू करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर एक बार और भिन्न, एक दिन और पढ़ाइए, तो भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, हो गया। तो कह रहा था कि 3/10 भाग जो है कीचड़ में है, और 3/5 का पानी में, तो शेष कहाँ होगा, शेष हमारा सतह के ऊपर ही होगा, तो पानी के सतह के ऊपर, तो 5 ही तो है, क्योंकि 50 में से 15 इधर हो गया, 30 इधर, तो टोटल कितना होगा 45, 50 में से 45 हमारा इधर हो गया, तो 5 ही तो बचा, 5 किसके बराबर, यही तो 5 है, तो हमारा पूछा बांस की लंबाई बताइए, टोटल बांस हमने कितना होगा 50, तो 50 किसके बराबर हो गया, बस इतना 50 मीटर। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, तो आपको इतना ही क्वेश्चन लगवाया जा रहा है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन फंसे आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप उसको सेंड कर सकते हैं, और इसी तरह से आप केएलडी क्लासेस बने रहिए, और अपना प्यार जो भी जिस तरह से आप बने हैं केएलडी क्लासेस में अपना